अपनी टीवी स्क्रीन पर आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं। बिहार के वैशाली जिले के दो इलाकों की तस्वीरें हैं। बिहार में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दो दिनों से लगातार हुई बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। इलाके के अस्पताल में पानी अंदर घुस गया है। थाने में पानी ने अपना कहर बरपाया हुआ है। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। घर और खेत पानी में समा गए हैं। स्थानीय लोग ऊंचे इलाकों में टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। पिछले चार दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण दरभंगा के घनश्यामपुर में कमला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जल स्तर बढ़ने से निचले इलाके में बसे करीब 10 गांव की हालत खराब है। घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव की सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। स्कूलों में पानी भर चुका है। पीने का पानी और पशुओं को चारा भी नहीं मिल पा रहा है। यूपी के श्रावस्ती में भी इन दिनों राप्ती अपना कहर बरपा रही है। नेपाल में लगातार हुई बारिश का असर श्रावस्ती में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव को जोड़ने वाली सड़कें पानी के बहाव से कट गई हैं। पुल भी पानी में पूरी तरह डूब चुका है, जिसके कारण दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। गाँव में फंसे लोगों को अपनी जान पर खेलकर पुल पार करना पड़ रहा है। आलम है कि सड़कों पर नाव चल रही है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।